क्या समझ रहे हो तुम जिंदगी में, तो तमाशा समझ रहे, मजाक समझ रहे हा? दूसरी कराती हूँ, तीसरी कराती हूँ, बोरे बच्ची को क्या समझ रहे तुम? आखिर अपने आप को क्या समझ ले रहे? एक औरत की जिंदगी में तो खेल समझ रहे तुम। शादी तोड़ा के बच्ची की दूसरी शादी कराते, बोरे किससे कराते? लंगड़ा लुल्ला, नहीं तो जोरू जोरू छोड़े सो वाला, नहीं तो जोरू मरे सो रंडवा, वैसा देख के कराते बच्ची को शादी तुम। अकल है तुम्हारे को, अम्मा है तुमने, दुश्मन है बच्ची के हा? क्या समझ रहे तुम अपने आप को? बच्ची की जिंदगी खराब करना चाह रहे। अगर माशरे में कोई अगर सिंगल औरत है बोल के मालूम हुआ ना, माशरा पूरा कुत्ते की नजर से देखता उसको, कब चीर के खाना कब फाड़ के खाना। वो पत्रोली फेंक देते ना खाने की, कचरे में फेंके बाद में कुत्ते कैसा फाड़ते उसको, वैसा फाड़ने की चक्कर में रहते। मेरी बच्ची को क्या समझ रहे तुम आखिर? इसकी जिंदगी खराब करना चाह रहे बेवकूफ औरत। मेरे को नल्ली मत के खत्म कर देना दिल पर रहा तुम्हारे। अरे क्या हुआ जी आखिर? जब से बकरी में दीवाना बकवा तुम कहीं कैसा खामोश बैठे हुए? आखिर कहीं भी सदमे में चले गए थे क्या? तुम निकल गए थे कहीं भी दुनिया से? कुछ भी नहीं। तुम ला जाओ पूरे, मेरे को थोड़ी देर सुकून से बैठने दियो, सांस लेना चाह रही हूं मैं। जाओ बेटा जाओ। ए बेटा जा अंदर जा, जा उठ, बात करेंगे अपन, बात करेंगे, तुम जाओ अंदर जाओ। नाम से पुकार के लिख के दियो। अरे ठहरो जी, हर चीज को तुम्हारे को। अजी अब मैं डिसाइडेड हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मैं चले जा रही हूँ। क्या हुआ? हाँ क्या बोले? मैं डिसाइडेड हूँ, अब मैं यहाँ से चले जाना चाह रही हूँ, मैं मेरी अम्मी के पास चले जाती हूँ। कहीं को? क्यों बोले तो घर में जो हिसाब से तमाशे हो रहे, हर दो दिन को लड़ाई हो रही, अब मेरे वजह से भी कुछ ना कुछ फसाद होएगा, तो मैं नहीं रहना चाह रही हूँ, उससे अच्छा मैं चल जाती हूँ। तो तुम्हारे को मालूम है बोलो, तुम्हारी वजह से घर में फसाद होएगा, या फिर तुम इनडायरेक्टली निदा आ गई तो उसको फसाद बोलना चाह रहे? तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, निदा आए तो भी फसाद हो रहा, मैं गलती करी तो भी हो रहा, अगर मैं गलती नहीं भी करी तो मेरे ऊपर ही ब्लेम आ रहा, तो अगर मैं यहाँ नहीं रही तो वही बेटर है ना, तो मैं चली जाती हूँ अम्मा के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो असल तुम आपको जाना है अम्मा के घर को, ये बोलो हा? घर में क्या हालात चल रहे, क्या प्रॉब्लम चल रहा, वो तुम आपको नहीं मालूम, सिर्फ तुम अपना पर्सनल लेवल पे सोच रहे हो। देखो घर में अगर किसी भी एक इंसान को तकलीफ हुई तो पूरा घर परेशान होता, तुम तुम्हारा पर्सनल लेवल ले लेके कहीं को भागने की कोशिश कर रहे। अरे घर में कभी मुश्किल है तो मुश्किल का सामना करना, वो मुश्किल से लड़के वो मुश्किल को खत्म करना, ये हमारी जिम्मेदारी रहती। तुम घर की बड़ी बहू है, पूरे घर को तुम लेके चलना, ऐसे बहाने बना के मामा जाती हूँ या जाती हूँ नहीं आ गई बोले तो नहीं चलता घर, जिंदगी ऐसा नहीं होती, समझो बात को तुम। जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम है तो उसको फेस करना, डट के सामना करना मजबूती के साथ, तो इंसान कामयाब होता। हर छोटी मोटी बात को पैक पैक कर लेके मैं जाती हूं बोले तो कैसा? जिम्मेदारियों को समझो तुम, बैग लेके जाने से मुसीबत खत्म नहीं हो जाती है, या फिर उसका जो है सो कोई किस्म का कोई कम नहीं होता कोई असर, उल्टा बढ़ जाती। अरे भाग के चले गए देखो हमारी बहू बोल के, अरे जिम्मेदारी लियो, सामने आओ, उसका हल निकालो, अपना मुकाम बनाओ। हर छोटी मोटी बात को चल गए तो कैसा जी? जिस्म हमारा पूरा जुड़ा हुआ है, अगर एक उंगली ऐसा कटी तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती, घर खानदान भी वैसी रहता। घर का एक फर्द अगर मुश्किल में आ गया या उन्हें तकलीफ में आ गया तो पूरा घर परेशान होता। ये तुम घर का हिस्सा नहीं है क्या? है नहीं है बोलो तुम? फिर घर छोड़ के जाने की बात कहीं को कर रहे? देखो ये तुम नादानी नको करो, घर की बड़ी बहू है, जिम्मेदारी उठाओ। उन्हें आई अब उन्हें दुनिया का परेशान है, उसका ससुरा छोड़ के चले गया तो उसका तुम हौसला बनो। अब तुम दोनों के बीच में जो भी क्लैशेस है, जो भी नातेफाकी है, अब दूर करने का मौका है, उसका सहारा बनो, उसको समझाओ, एक अच्छी भाभी होने का फर्ज निभाओ। तुम मुश्किल से भागने का नको सोचो, समझे? ये बात यहाँ की खत्म कर देना, बाहर नहीं आना। रजाक अब्बा जरा इधर आ बेटा, आ रहा हूं, खामोश बैठो ठीक है, थोड़ी देर से बाहर आओ। क्या हुआ बा? क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तुम्हारे अम्मा खाना खाते कहते नहीं कहते क्या? तो भी आखिर क्या है अम्मा खाना खाते नहीं खाते क्या है? नहीं खा रही हूं मैं। कई को नहीं खाते कहते? कई को नहीं खाते कहते? भूख नहीं है। भूख नहीं है कहते? अब क्या मेरे को खा के तक नहीं बैठते?
नहीं खाते ज्यादा चर्बी के चीजा। बोल दो अम्मा को तुम्हारे सुने आ रहा कि नहीं आ रहा कि सब तमाशा ना करो, बोलो खाना खाओ, बोलो तबीयत खराब हो जाती। रजाक सीधा बोल दे खा लो, बोल खाना है तो उनको पेट में दर्द हो रहा तो उनको खा लो, बोल दूसरों को भूख नहीं लग रही। अरे मुस्कुराता था मियां, क्या छोटे बच्चों में जैसा कर रहे तुम, ना खा लो भाई कहीं को ऐसा। बोल दे ना मेरे को भूख नहीं है, बोल के खत्म हो गई बात। मेरे को सुने नहीं आ रहा, बोल खाना खाना है, बोलो दस्तर बिछा, बोलो कानों में तेल औंटा के डाल लो, बोल। अरे मैं जब से समझा रहा हूँ मियां, अच्छे से समझा रहा हूँ, खा लो बोल खाना, नहीं तो बुला घर में कौन कौन है, बुला के सबको समझाने लगा। खाना खाओ, छोटा है तो कहाँ आरा गर्दी कर लेते फिर रहा है इधर आ। मैं क्या है देख रहे हो, छोटे बच्चा को ऐसा कर ले रहे नर्सरी एलकेजी के। अम्मा के लाड ले ना बेटा, समझाओ अम्मा को, खाना खाओ बोलो, बाद में को ले ले तू, खाना खा लो जी, मेरे को भूख नहीं है। इसको अलग से बोली थी क्या, तेरे को अलग से बोलने का नाम है, नाम ली हूँ। अरे खाना खाओ, तुम दोपहर से नहीं खाए होंगे खाना, फिर नहीं खाए सुबह से, नहीं खाए रे हवले, सुबह से नहीं खाए, क्या टाइम हो रहा, 4 बज रहे, 2 घंटे रुको रोजा खोल लेते। अरे तो मजाक सुधर रहे मियां, खाना खाओ बोल, बीपी शुगर गोलियां डाल लेने का रहता क्या है ये। अरे खाना खाओ ना जी अम्मी, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब न करो बाबा तुम। हाँ समझ में नहीं आ रहा मेरे को तुम क्या करना चाह रहे की, नको खाओ जी, तेरी जिंदगी खाली सोते सोते गुजर जा रही, जा क्या होता किसका क्या नहीं की। अरे खा लो माँ, कुछ भी नया हो जाएगा, बीपी शुगर बढ़ देंगी, औंधे पड़ देंगे, क्या करना तब। तेरे वाह को ख्वाहिश ही है ना दूसरी ला लेने की, ला लेने दे। अरे फिर दूसरी दूसरी जिंदगी भर ये ताना सुन लेते आ रहा हूँ मैं, क्या दूसरी दूसरी। अरे तुम अकेलों से बस हो गया भाई, फिर दूसरी कहीं की लगाए तुम। नहीं भाई एक बात बोलो जी, छोटा मुंह बड़ी बात, हर बार अम्मी दूसरी दूसरी बोलते, कुछ भी सेटिंग थी क्या तुम्हारी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कहीं को नहीं थी, वो बाजू वाली को नहीं देखते थे बाड़े में से झंक झंक के। तो क्या मैं अंधा था, अंधा हो जाओ बोल रहे क्या। अरे मियाँ अपनी दीवार ही थी, उनकी दीवार और ही थी, चलते फिरते से किस दुखे सलाम करे, दुआ खैर खैरियत पूछे, पड़ोसियों से पूछते। उसकी टाइमिंग पे कैसा सलाम निकलता, उसकी टाइमिंग पे। अल्लाह बिचारी किधर है कि क्या नहीं की उन्हें, पाप पाप। तुम्हारे गम में 6 बच्चे कर ली होंगी अब तक पैदा नहीं। अरे वो जान दे भाई दूसरों का, खाना खाओ भाई, माहिरा यहाँ है, आओ इधर आओ, इधर आओ जी। समझा बेटा तू तो भी समझा तुम्हारे सास को, खाना खाओ बोल। अम्मी खाना खा लो जी। यार रहने दियो अम्मा, तुम्हारे इतने इतने हाथा है पहले टूट जाएंगे, नहीं खा रही हूँ खाना मैं। अम्मी अगर आप खाना नहीं खाए तो मैं भी खाना नहीं खाती हूँ, देखो। अच्छा है राशन तो बच रहा घर में का, तुम ना पका बेटा, सुनेंगे बेटा इन्हें। ठीक है अम्मी मैं नहीं खाती हूँ, आप खा लो ना, मैं खा रही हूँ ना तुम खा रहे खाना, दोनों भूखे रहेंगे अपन, जाओ काम कर लो तुम्हारा। गिड्डी उसको तो भी बुला, निदा को बुला, निदा बुला बेटा बुला, निदा जी पापा। रा बेटा तू तो भी समझा, अम्मा को खाना खाओ बोल, चक्कर उकर आगे गिरेंगे अम्मा, क्या तो भी है। अम्मी नहीं खाने से, ये सोच लेने से, नाराज हो जाने से क्या होने वाला है, कुछ पढ़ने वाला है, कुछ फर्क होने वाला है लाइफ में, जो चल रहे चीजा चल रहे ना अम्मी। समझने वाला आदमी ने समझा तो कई की जिंदगी है ये। अरे तो उन्हों कर रहे हैं, अग्री कर रही हूँ मैं आपकी बात को, खाना नहीं खा के आप उनके ऊपर कौन सा गुस्सा निकाल रहे हैं, एक धोनी वाले खा के एक दो और बातें बोलो आप उन्हें। खाओ भाई खाना खाओ, ताकत आती ताकत बनाओ, फिर लड़ोगे तो भैया कुछ भी हो गया नया तो फिर अलग नया हॉस्पिटल। नए मम्मी आते गोरे घूमते दुबले पतले आते। अम्मी कौन सी भी नई अम्मी नहीं हो ना, उनको भी कौन सी भी नहीं हो ना, दूसरी तीसरी आपको जब छेड़ने उड़ने बोल लेते होंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा। और ये देखो मैं भी नहीं खाई अम्मी, जब से आप नहीं खाए जब से खाती खा थोड़ी देर से खाती हूँ। नहीं अम्मी खा लेंगे ना, बोल दी ना मैं थोड़ी देर से खा लेती हूँ, जाओ तुम। ऐसा नहीं सुनती मैं, इसको मनाने का आइडिया मेरे पास है, एक काम करेंगे कपड़े बदलो हथियार निकालो। अरे उठा मियां, अरे बेवकूफ मेरे को नहीं सुर उठा रहा हूं। अरे मैं निकला ओ गड़ी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क पर एक मोड़ आ।
काउंटर शुरू करो। ओ मेरे दिल के चैनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। Yeah.
सोचा, मैंने कहा तूने कहा तू मर गई।